हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉगिंग सीरीज ऑन माय चैनल। मैंने रिसेंटली ही अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर विजिट किया था फॉर माय डॉटर्स बर्थडे। मेरी जो डॉटर है शी टर्न्ड 5 ऑन 15th ऑफ सितंबर एंड उसका 5th बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए वी डिसाइडेड टू स्पेंड अ वीक इन सिंगापुर। ये जो पर्टिकुलर सीरीज होगी दिस वुड बी अ 7-पार्ट सीरीज जिसके अंदर मैं अपना एवरी सिंगल डे का जो रूटीन था या हमने उस दिन क्या किया या हमने अपने टूर से क्या सीखा वेंट ऑन आर ओन। सो हमने कैसे मैनेज किया, हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गो थ्रू दी टूरिस्ट प्लेसेस देयर। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन माय अपकमिंग सीरीज। सो यस, टुडे इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग एंड वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी ओन होम। सो दिस इज मी एंड कायरा, हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। हमें शाम को 5 बजे करीब निकलना था फॉर आवर फ्लाइट एंड लगेज हमारे पास यूजुअली काफी ज्यादा हो जाता है बट वी डिसाइडेड नॉट टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ हैंड बट दिस इज सर्टनली द ह्यूज बैग जो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। सिंस दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब कायरा इतने लंबा फ्लाइट ले गई एंड आई डेंट रियली नो कि उसको किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है। सो आई टुक अ वेरी बिग बैग और उसके अंदर मैंने सब कुछ डाल लिया है जिसकी आई थिंक उसको जरूरत पड़ सकती है या फॉर दैट मैटर मुझे पड़ सकती है। सो यस, वी आर ऑलमोस्ट ऑल सेट टू गो एंड दिस इज माई नेल्स। आई एम बहुत रैंडम सी चीज है, मैं आपको अपने नेल्स दिखा रही हूँ एंड आई एम प्रिटी प्राउड ऑफ इट बिकॉज मैंने किसी और से ये नहीं करवाए हैं, आई डिड देम माई सेल्फ एंड हियर इज कायरा ऑल सेट टू गो। So now we are off the road on time. हम लोगों को 5 बजे निकलना था एंड वी लेफ्ट द हाउस अराउंड लाइक 5:10 बट अनफॉर्चुनेटली वी गॉट अ मैसेज इन बिटवीन विच सेड दैट आवर फ्लाइट इज डिलेड। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एयरपोर्ट और हमको अभी मैसेज आया कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई है बाय ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सो वी रीच द एयरपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे पहले। तो यस, लेट्स सी हाउ टू किल टाइम। आई गेस अभी तो चेक इन भी नहीं करेंगे बट येस दैट्स वॉट हैपन्स समटाइम्स। कम से कम जल्दी नहीं है सो वी आर ऑन टाइम। सो वी आर एट द एयरपोर्ट ऑलमोस्ट अपनी फ्लाइट से 5 घंटे पहले। एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे सो वी रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम एंड थैंकफुली चेक इन हो रहा था एंड दिस इज एवरीथिंग वी बॉट विद अस। काफी लगेज है एज आई सेड एंड माई हस्बैंड वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल बोथ द ट्रॉलीज टुगेदर विच वॉज नॉट बींग वेरी ईजी सिंस हमारी फ्लाइट थोड़ी डिलेड थी और रात की फ्लाइट थी। सो वी गॉट आर मील वाउचर्स जिसमें पर पर्सन या जो पर टिकट थी उसके लिए हमें 750 रुपीज का मील वाउचर मिला था बाय सिंगापुर एयरलाइंस एंड सिंस वी वर 5 पीपल हमारे पास खाने के लिए काफी टाइम भी था एंड काफी खाना भी था। So as you can see Kyra is enjoying her burger and I just took some soup और बाकी जो खाना था वो हमने पैक करा लिया था since we were not sure कि हम लोग कितने बजे लैंड करेंगे या फिर हमें वहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं। सो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्लाइट। ऑनेस्टली खाना खाते टाइम खाना खाने में और पैक कराने में हमें काफी टाइम लग गया एंड 5 घंटे वेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। Also, we did some shopping. It was finally time for the flight and yes, here we are going for a flight and we are all settled and ready to take off. Takeoff ke time se again 15-20 minutes thoda sa late ho gaya tha but yes, we finally took off and Kyra as soon as flight ne take off kiya, Kyra started doing the activities jo मैं लेके गई थी उसके लिए एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स शी स्लेप्ट फॉर द एंटायर फ्लाइट। फाइनली इन द मॉर्निंग वी रीच द सिंगापुर एयरपोर्ट विच बाय द वे इज वेरी ह्यूज एंड वेरी ब्यूटिफुल। इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है दैट वॉज सुपर ईजी। सिंगापुर पहुंचने से पहले आपको एक अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है एंड अगर आपने वो भरा हुआ है तो आपको इमिग्रेशन के लिए सिर्फ अपना पासपोर्ट लगाना है एंड एवरी थिंग एल्स गेट ऑटोमेटेड। इफ यू हैव अ किड आपको स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन हेल्प यू एंटर विद अ चाइल्ड and again the same thing my father was trying to handle 2 trolleys together but he wasn't able to do so. pata nahi mujhe nahi pata beta chalo let's go inside. फाइनली इट वॉज टाइम फॉर आर कैब। कैब प्री बुक्ड थी हमें होटल ले जाने के लिए
वी टुक द कैब एंड इट इज नॉट अ सिंपल कैब, इट्स अ वेरी बिग कैरावान सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि हमारे पास लगेज काफी ज्यादा था और वी आर रेडी टू गेट सेटल्ड एंड गो टू आर होटल. होटल बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इट टुक अस अराउंड लाइक 20 मिनट्स टू रीच द होटल एंड द व्यू इन बिटवीन वी सॉ द होल सिंगापुर, इट वॉज ब्यूटिफुल. दिस इज एवरीथिंग वी टुक विद अस एंड ये हमारे होटल के बाहर रखा हुआ है सिंस इट इज नॉट येट द चेक इन टाइम. वी वॉन्टेड टू ईट जो हम पैक करके लेके गए थे इंडिया से विद द फ्री वाउचर्स, बट वी वर टोल्ड कि अंदर नहीं खा सकते हैं, बट वी कैन सिट आउटसाइड एंड ईट. सो वी सैट ऑन द चेयर्स जो कि होटल के बाहर थे, इट वॉज इन द होटल प्रमाइसेस ओनली एंड वी सैट देयर एंड एट आवर फर्स्ट मील इन सिंगापुर विच वॉज कम्प्लीटली बॉट फ्रॉम इंडिया. ओके सो नाउ वी हैव चेंज्ड एंड हमारा जो चेक इन है वो 3 बजे का है, सो हमने अभी चेक इन तो नहीं किया है, बट हमारा सिटी टूर ऑलरेडी प्लान्ड है एंड वी हैव कॉल्ड द कैब एंड कैब हमारा वेट कर रही है. सो यस वी आर ऑल सेट टू गो एंड दिस इज हाउ आर नेबरहुड लुक्स लाइक. सो कार इज ऑल सेट टू गो एंड दिस इज आर बिग वैन वेटिंग. सिंस वी आर 5 विद अ स्मॉल किड, सो हमने एक रेगुलर कार नहीं की थी, हमें बड़ी कार करनी पड़ी थी. सो यस वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर द सिटी एंड दिस इज हाउ आई लुक लाइक. काफ़ी जगह है इसके अंदर, इनफैक्ट काफ़ी सीट्स खाली भी बची हैं, बट दिस वॉज समथिंग जो कि वहाँ करना ज़रूरी है सिंस वी हैव अ किड. और दिस इज़ हाउ आर होटल लुक्स लाइक एंड ये हमारा नेबरहुड है. सो यस वी आर ऑफ टू आर वेरी फर्स्ट लोकेशन. नाउ सिंगापुर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. सो इट हैज़ बीन जस्ट 10 मिनट्स और हम लोग ऑलरेडी अपने पहले स्टॉप पर पहुँच गए हैं विच इज़ the very famous Merlion Park and this is the view. मौसम इस वक्त देखने में अच्छा लग रहा है, but trust me आगे काफ़ी धूप होने वाली है. We were completely being tourist, जगह को अच्छे से explore करना था and बहुत सारी photos खिंचवाने का plan था, but my father wanted to take it slow, इसलिए वो बहुत slowly आ रहे हैं and this is of course me and Kyra just chilling around. इस तरीके का कुछ view आपको मिलता है Merlion Park से and it is definitely very beautiful. आप almost पूरा सिंगापुर यहाँ से देख सकते हैं in a 360 degree motion and that is the famous Merlion. अगर हम Merlion की history की बात करें तो जो Merlion है वो सिंगापुर का official mascot है. ये depict करता है एक ऐसे mythical creature को जिसका जो head है वो lion का है and जो body है वो fish की है. अगर आप statue को क्लोजली देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि अगेन जो हेड है वो एक लायन का है एंड टेल जो है जो बॉडी है वो एक फिश की है. ये जो मैस्कॉट है ये बेसिकली सिंबलाइज करता है सिंगापुर के ओरिजिन को. वो इनिशियली वाज अ फिशिंग विलेज. आफ्टर रोमिंग फॉर अबाउट 1 आवर और काफी सारी पिक्स क्लिक करने के बाद वी फाइनली डिसाइडेड टू हेड टू आवर सेकंड लोकेशन. व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स आवर वैन कैरा गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल लिटिल स्टैचू और द रेप्लिका ऑफ द मरलाइन जो कि एक्चुअली कैरा को सॉर्ट ऑफ सिमिलर लग रहा था अपने एंड शी गॉट अट्रैक्टेड एंड शी गॉट सम फोटोज क्लिक देयर एज वेल. फाइनली वी हेडेड बैक टू आर कैब एंड अगेन आफ्टर 10 मिनट्स वी रीच्ड आर सेकेंड लोकेशन विच वॉज सिंगापुर फ्लायर. बट बिफोर दैट क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी वी डिसाइडेड टू हैव अ लिटिल ड्रिंक एंड ड्रिंक के नाम पे वी हैड सम कोक एंड थोड़ा सा ऑरेंज जूस हमारा लेने का प्लान था, बट द जो वहां पे ऑरेंज जूस जो काउंटर था नॉट रेडी टू गिव द रिसीट ऑफ द राइट अमाउंट, तो हमने इग्नोर किया जूस को एंड हमने कोक ही ली. कायरा वांटेड टू हैव समथिंग, हमारे पास पानी खत्म हो गया था. आफ्टर इस टाइप की कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग में वहां पानी अवेलेबल है, सो वी टुक दैट फॉर हर. अपना पानी लेके गए थे बट वो खत्म हो गया था, सो दिस इज वॉट वी हैड. थोड़ा ठंडा भी चाहिए था हमें, तो यस कायरा हैड सम वाटर एंड आफ्टर सिटिंग फॉर अबाउट लाइक 15-20 मिनट्स वी हेडेड, हमने एस्केलेटर क्रॉस किया एंड वी हेडेड
टुवर्ड्स द सिंगापुर फ्लायर. नाउ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी वहां पे एंड रास्ता कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था दैट बिफोर गोइंग टू द सिंगापुर फ्लायर बीच में पड़ रहा था टाइम कैप्सूल विच अगेन वॉज अ पार्ट ऑफ अर टूर. सो वी डिसाइडेड टू विजिट द टाइम कैप्सूल फर्स्ट. मैं सिंगापुर पहले गई हुई हूँ बट मैंने लास्ट टाइम टाइम कैप्सूल विजिट नहीं किया था सो आई डेंट नो वॉट टू एक्सपेक्ट बट ओ माई गॉड द प्लेस इज मेसमराइजिंग. And let me share you a little glimpse of how the place actually looked like. Machhi pakad. Fish, fish pakad, fish pakad. Pakad ya fish. Aaja. I do not have words to define this place. It was beautiful. It was mesmerizing. Specifically, ये जो particular area था जिसके अंदर we spent almost 25 minutes just clicking photos and sitting and just you know relaxing and enjoying the whole place. After spending 20 minutes in that area, my father was sitting outside because this was sort of a 3D space, which is not appropriate for people jinko motion sickness hoti hai. And so my father was sitting outside. And finally, after 20 minutes, we came out of that place and we explored the remaining time capsule. And finally, we came out and headed towards the Singapore Flyer. नाउ सिंस बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पर हमारे अलावा सिर्फ एक या दो जो चाइनीज़ टूर कंपनी थी वो अपने ग्रुप्स को लाई हुई थी सो वीडियो में आप सिर्फ हम लोगों को देख पा रहे होंगे बिकॉज वी वर वॉकिंग एट आवर ओन पेस एंड जो ग्रुप वाले थे दे वर हेडेड वे बिफोर अस. सो हमको ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 लोग आ सकते हैं हमको ये पूरा कैप्सूल जो पूरा पॉड है सिंगापुर फ्लायर का वी गॉट इट फॉर आवरसेल्फ्स हमारी फैमिली के लिए हमको एज अ प्राइवेट पॉड ये मिल गया जिसके लिए अदरवाइज काफी पे करना पड़ता है. सो यस वी गॉट लकी एंड वी गॉट द होल पॉड टू अवर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स वी एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट. बाय द वे जो सिंगापुर फ्लायर है इसका जो एक रेवोल्यूशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का होता है एंड यू कैन सी द होल सिंगापुर फ्रॉम हियर. आई विल जस्ट क्विकली शो यू कि सराउंडिंग्स कैसी लगती है. इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड ऑफ कोर्स हम बींग द टूरिस्ट वी वर हमने काफ़ी सारी फोटोज क्लिक की एंड कारा इन फैक्ट मेड अ रील देयर एज वेल. बट येस द व्यू फ्रॉम there are really beautiful. You can see every inch of Singapore from there because you are on such a height. Now finally after coming out of the flyer jaise ki har tourist attraction ki jagah par hota hai there was a gift shop and Kyra went crazy there. हम लोगों ने डील किया कि हम हर एक शॉप से सिर्फ एक ही आइटम पिक करेंगे वट एवर शी लाइक्स बट जस्ट वन आइटम. बट एज शी वॉज इंटरेस्टेड इन दिस पोनी बैग विच वॉज अ लिटल प्राइसी आई टॉक्ड हर आउट ऑफ इट एंड फाइनली शी टुक समथिंग एल्स. आफ्टर अ वाइल वी केम बैक टू आर होटल एंड ऑलमोस्ट लाइक शाम हो गई थी 6 बज गए थे. So we got back to our hotel and we got our keys और हमने finally check-in किया. This is our room. Now let's have a little room tour. In fact it's not a little room tour because room ही काफ़ी little है. This is all it is. आपको देखने में अभी फिलहाल शायद उतना अंदाज़ा नहीं लग पा रहा होगा कि रूम कितना छोटा है बट वंस अ लगेज अराइव्स रूम एक्चुअली काफ़ी छोटा फील होना शुरू हो जाता है. बट दैट्स द इशू विद यू नो सिंगापुर के रूम्स जो होटल के रूम्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं साइज में स्पेशली एज कम्पेयर टू इंडिया. सो दैट्स द वॉशरूम विच इज़ वेरी टाइनी इन साइज एंड ये जो बेसिन है ये भी वॉशरूम से बाहर है. सो यस दैट इज ऑल अबाउट द रूम. जो बेड है दैट इज ऑल्सो क्वीन साइज और इस बेड पे हम 3 लोगों को फिट होना था और यहाँ पे हमें अपने 5 सूटकेसेस फिट करने थे.
दिस इज आवर रूम आफ्टर लगेज. हमारा लगेज जाने के बाद ये जो पूरा रूम है ये ऑलरेडी भर गया है. एंड आई विल शो यू आवर वार्डरोब. सो ये हमारी वार्डरोब है. दिस इज ऑल वी हैव. एंड यस नाउ वी हैव टू एडजस्ट ऑल ऑफ दीज बैग इज छोटे से कमरे में. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. After arranging our luggage, we decided to explore the neighborhood. हमने कायरा को मॉम डैड के रूम में ड्रॉप किया एंड मी एंड माई हस्बैंड जस्ट वेंट आउट टू एक्सप्लोर द प्लेस. हम एक्चुअली ये देखना चाहते थे कि हमारे नेबरहुड में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम डिनर कर सकते हैं या नहीं. सिंस इट्स नॉट वेरी ईजी टू फाइंड वेजिटेरियन फूड एवरीवेयर इन सिंगापुर. सो येस नेबरहुड अगेन इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. हमने काफ़ी सारा एरिया क्रॉस किया. हमें कैफेज काफ़ी दिखे. हमें काफ़ी स्पॉट्स ऐसे दिखे जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम खाना खा सके. वी ऑल्सो फाउंड दिस लिटिल फूड कोर्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग जहाँ पे एक डेली करी रेस्टोरेंट था. बट अगेन जिस जगह पे वो था वी डोंट ईट सी फूड एंड वहाँ का जो स्मेल था दैट वॉज नॉट समथिंग जहाँ हम बैठ के खा सके. एंड वो डिलीवर भी नहीं करते थे. सो वी डिसाइडेड टू ईट वट एवर वी हैड विद अस जो कि हम इंडिया से लेके गए थे. सो यस विद दिस वी एंडेड आवर वेरी फर्स्ट डे इन सिंगापुर. Stay tuned for the next vlog jahan pe we would be visiting the zoo, river wonders and bird paradise. So see you in my next vlog.